महान रिमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मम्मा मेरे साथ है क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि मेकअप देखना है हमने। तो वैसे भी मैंने काफी अरसे से कोई मेकअप की वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं मेकअप की वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं और मम्मा आए और रैंडम बस बैठे हैं। मम्मा ने कहा आज बनानी बनानी, तो मैंने कहा बस ठीक है फिर बनाते हैं। तो मम्मा आज कैसा आप मेरा मेकअप करेंगी? आज हम इसीलिए हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फेस लिया है, महान का एक्नी वाला फेस इसीलिए लिया है ताकि हम आप लोगों को बताएं। बिल्कुल साफ सुथरी स्किन पे तो हर कोई मेकअप कर सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम स्किन पे हम इसलिए मेकअप कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो और घर बैठ के आप आसानी अपने मेकअप कर सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें। सॉफ्ट मेकअप, बिल्कुल आज हम सॉफ्ट मेकअप करेंगे। हम पूरा कॉन्सेंट्रेट जो बेस पे रखेंगे। सबसे जो पहली चीज आप लोगों को, अच्छा तो मम्मा क्या कह रही थी? अच्छा मैं ये बता रही थी आपको, सबसे पहले तो आज इस वीडियो में आप लोगों ने जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है वो बेस पे करना है, क्योंकि कई लोगों को बेस बनाने का तरीका ही नहीं आता कि बेस हम कैसे बनाएं। या तो बिल्कुल ब्रिटिश कलर होता है, व्हाइट बेस लगा देते हैं, उस वक्त तो बड़ी प्यारी लग रही होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ग्रे होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम लोग बिल्कुल नेचुरल बेस बना रहे हैं, बिल्कुल इस तरह बना के आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने पूरा कॉन्सेंट्रेट बेस पे रखना है, फिर उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो फिर आपने बताना है। मेकअप तो हम पूरा करेंगे, सॉफ्ट मेकअप करेंगे, पूरा मेकअप करेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेट बेस पे होगा। उसको आपने गौर से समझना है, फिर उसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो कुछ हो फिर आपने हमसे पूछना है कि इसका मतलब किसी का कलर कैसा है, किसी का कलर कैसा है, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि बाकी के लोग जिनके कलर जिस हिसाब से हो उसको किस तरह मेंटेन किया जाए। ठीक है? ठीक है, चलो चले। अच्छा जी मम्मा आप क्या जी, अच्छा सबसे पहले हम प्राइमर लगा रहे हैं। ये हमारे पास मैक्स फैक्टर का मिरेकल ग्लो है। एक तो ये प्राइमर का भी काम करेगा और दूसरा फेस पे ग्लो भी करेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्राइमर को हमेशा फिंगर की मदद से लगाते हैं और जो है मैंने भी वैसे कुछ फेशियल वेशियल कुछ भी नहीं करा अभी, इसका कोई फेशियल वेशियल नहीं हुआ, स्किन आपके सामने है तो इसीलिए हमने कहा कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये ताकि। अब देखिए जैसे मिसाल के तौर पर ये टी जोन डार्क है ना, अब हम सेकंड नंबर पे इस्तेमाल करेंगे। ये है जनाब हमारे पास मैक्स फैक्टर का ही मूज, इसको बोलते हैं मूज, ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले तो लगाएंगे इस महान के टी जोन एरिया जो आपको डार्क नजर आ रहा है, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। आप खुद साथ कैमरे में देखते रहेंगे तो आपको खुद साथ साथ आइडिया रहेगा, जहां जहां मुझे डार्कनेस फील हो रही है हम वहां वहां ये महान के मूज लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सेकंड नंबर पे ये मेरे पास स्वीट टच की लिक्विड फाउंडेशन है, इसका नंबर है 02। अच्छा ये हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ पहले मैंने सोचा था ही करेंगे फिर बाकी करेंगे। ओहो चलो कह रहे हैं, अभी हम बेस की बात कर रहे हैं ना। अच्छा देखिए ये हम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से लगाएंगे ताकि कंटूरिंग एरिया हमारे पास बच जाए, जहां जहां हमने स्किन फेस को दबाना है क्योंकि मान का फेस थोड़ा चौड़ा है तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे। और अब हम आ जाते हैं हल्की सी ब्लेंडिंग की साइड पे। जब आप देखना कि मैं जब ये वाली ब्लेंडिंग, अच्छा फिर हम आ जाते हैं कंटूरिंग की तरफ। एक साइड पे इसके कंटूरिंग कलर है और एक साइड पे इसके कंसीलिंग कलर है। और ये कंटूरिंग कलर कोई बहुत ज्यादा शार्प कलर नहीं है, बड़ा सॉफ्ट सा कलर है, मतलब बहुत ज्यादा आपको लगेगा नहीं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिये जैसे महान की मैंने बेस लगाई है तो ऑटोमेटिकली ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये मैंने छोड़ी है, ठीक है। ये देखिये ये डाल दिया, ये जिन लोगों का फेस चौड़ा हो वहां इससे इसको भी कंटूरिंग कर सकते हैं, ठीक। फिर आ जाते हैं ये, अच्छा तो यहाँ हो जाती है बेस हमारी कंप्लीट। और फिर हम थोड़ा सा हाई अभी नहीं लगाए ना, आखिर में आखिर में आखिर में। अच्छा
अच्छा अब हम शुरू, ये यहाँ पे बेस हो जाती है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं आई मेकअप की तरफ। महान की चूंकि फ्लफी आईज है, महान की कट आईज नहीं है, जैसे मेरी प्रॉपर एक कट आईज है, महान की कट आईज नहीं है, तो हम महान का सबसे पहले सॉकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सॉकेट का मतलब होता है आंख के इसी वाले हिस्से पे एक हल्का सा डैब दे देना, उससे आंख की एक लुक निकल आती है, आंख बहुत खूबसूरत नजर आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आंख को एक डैब देने के लिए। डैब बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहां से ब्रश पकड़ा, ये कलर लिया और इसको प्रॉपर सॉफ्ट वे से, ये प्रॉपर सॉफ्ट वे से लगाया और इसको ब्लेंड कर लिया, इसकी लाइन को खत्म कर लिया। अब देखिए ये देखें ऑटोमेटिकली कट बन गया, सिर्फ थोड़ा सा कलर लगाया कट बन गया। अब उस आंख को देखो, उसमें कट आपको फील नहीं हो रहा, इस आंख में आपको कट फील हो रहा है। तो हमने इस कट को इसको लगाया, कलर को लगाया और इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब हम दूसरी आंख पे लगाएंगे। अच्छा तो अब हम आते हैं आंख के नीचे वाले एरिया पे, कि नीचे वाले एरिया को साथ के साथ ही हमने हैंडल करना है। ऊपर देखो, ऊपर मन ऊपर, बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्राउन कलर है मेरे पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मान डाल भी देगी। और बिल्कुल इसको ना यहां से आपने ज्वाइन कर लेना है सॉफ्ट। अच्छा यहां अगर आपके पास ब्राउन कलर नहीं है तो कई लोगों के पास पेंसिल होती है, वो उससे भी इसको पहले ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं इस कलर को, वही कलर जो मैंने आउटर कॉर्नर के लिए उठाया था, वही कलर उठाया है और अब मैं नीचे वाली आंख पे उसके साथ बिल्कुल इस कलर को मिक्स कर रही हूं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली देखें आपके पास एक शेप क्रिएट हो गई है आईज की। दिखाओ ऊपर देखो, ये देखें इसको और इसको मैंने आपस में मिला दिया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक आपके पास आईज की शेप क्रिएट, ऊपर देखो। ठीक हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट सा कलर दिया है आईज के नीचे, अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो है, हम जाते हैं महान किसकी तरफ, आईब्रोज की तरफ। सबसे पहले हम महान के आईब्रोज करके फिर अब हम आते हैं लाइनर की साइड पे। लाइनर लगाने के लिए सबसे पहले तो आपका ब्रश का एंगल जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रश आगे से बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये वाली जगह पकड़, बंद करो आईज, ये वाली जगह पकड़ के उठाएंगे। अच्छा लैशेस लगाने से पहले एक लाइनर का कोट जरूर लगा लिया करें, उससे क्या फायदा होता है कि आपकी लैशेस के नीचे से व्हाइट एजेस नजर नहीं आते। तो लाइनर लगाया हुआ हो एक कोट और मस्कारा भी लगाया हुआ हो और फिर आप लैशेस लगाएं तो उसकी लुक बहुत मजे की आती है। ठीक हो गया, हम लोगों ने लाइनर लगा लिया। अब लाइनर लगाने मेरी लैशेस आई क्यों नजर आ रही है। लाइनर लगाने के बाद जो है ये ऊपर देखो मैम, ये फ्रंट वाली नहीं बनाती, ये फ्रंट वाली लाइन जो है ये हल्की से मैं सिर्फ बाहर निकालूंगी, अदरवाइज मैं कॉर्नर नहीं बना रही, इससे एकदम आंख की लुक जो है ना खूबसूरत नजर आएगी आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा लाइनर मैंने बाहर निकाला है, आंख से कोई कॉर्नर नहीं बनाया, वो पहले जमाने में एक कॉर्नर वाली लुक होती। अच्छा तो आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बिल्कुल सॉफ्ट आईलैशेस। अच्छा कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आईलैशेस, आंख बड़ी है आंख छोटी है आंख किस तरह की है, उन्होंने बाहर मजे से ड्रॉनी ड्रॉनी आईलैशेस ली और पूरी आंख पे लगा दी, बेशक आंख छोटी भी हो। ठीक है, तो आप ये जरूर देख लिया करें कि जब भी आप लैशेस लें आप आंख के ऊपर रख के उसको चेक कर लें कि आया ये आंख के बराबर है या बड़ी है। अगर बड़ी है तो बड़ी वाली साइड से थोड़ी सी कट कर लें। ठीक है, मेरे पास ये लैश ग्लू है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल लाइनर की तरह लगती है और ये चिपकती बहुत अच्छी है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नाम क्या है? या तो मैं स्वीटच की, ये भी स्वीटच की है, ये स्वीटच की नई आई है, ये पहले एक पुरानी होती थी, आजकल ये एक नई आई है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, मजे की लगती है। और जैसे लोगों को कंप्लेन अक्सर होती है कि मेरी लैशेस हट गई थी, ये
ये इतनी अच्छी ग्लू है कि मतलब हम इतने कॉन्फिडेंटली लगाते हैं कि क्लाइंट ले भी तो हमें पता होता है कि ये तो हटती ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने लगाऊंगी इस साइज पे। पहले मिड में रखते हैं, मिड में रखने के बाद आप अपना एजिस चिपकाते हैं। एजिस चिपकाने के बाद आप बिल्कुल अपनी लैश लाइन के साथ साथ अच्छा लैशेस हो गई है डन। अब हम आते हैं लाइनर की साइड पे। आ जाओ तुम भी आ जाओ, वो मिशमल पापा शायद कभी बुलाया। अच्छा लाइनर हमेशा खोलो। अच्छा ये जगह आपने लगा दी ना, ये लगाने के बाद ये यहाँ तक आपने लाइनर को लाए। लाने के बाद इस जगह को हल्का सा आप ये करेंगे। ठीक, अच्छा ये हम लेके आए लाइनर के रो। फिर आपने ये हल्की सी लाइन खींची, लाइन करने के बाद इस कॉर्नर को लाइन क्या बोल रही है, जबान मेरी फिसल रही है ना, मैं ट्रेंड जो है इधर। अब आप देखो ये आंख की लुक देखें, एकदम से आंख की पूरी लुक चेंज हो गई है। अच्छा अक्सर लोग लाइनर लगाते हैं और लाइनर के बाद मस्कारा लगाते हैं, तो लाइनर की लाइन इधर जा रही होती है, मस्कारा उधर जा रहा होता है। ठीक, तो इस चीज को आपने पूरा ध्यान। तो लाइनर हो गया कंप्लीट, आंख के अंदर फ्रोजी कलर लगाया है हल्का सा, ये वाला थोड़ा सा आंख के नीचे भी लगाऊंगी। ऊपर देखो ये फ्रोजी है कि सी ग्रीन है, हल्का सा सी ग्रीन कलर है ये। आंखों के नीचे लगा हुआ बहुत मजे की लुक आती है इसकी। हो गया यहाँ पे कंप्लीट, और अब क्या रह गया महान, अब कुछ भी नहीं रह गया। अच्छा मैंने तो सोचा था बिल्कुल सॉफ्ट करूंगी, करते 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 आपको पता है जब वो कोई मेकअप आर्टिस्ट खड़ा हो तो उसका दिल चाहता है ये भी कर लूं, उसका दिल चाहता है ये भी कर लूं, करते करते यहाँ तक पहुंचे। अच्छा आखिर में मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि मैंने लिड बिल्कुल सॉफ्ट दी है, तो ये सॉफ्ट सा ग्लिटर है बिल्कुल, होता तो ये है, होता तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है लेकिन इसमें गोल्ड हल्के स्पार्कल होते हैं, तो बिल्कुल लिड के ऊपर बिल्कुल हल्का सा एक साइड पे मैंने दिया है ये इस तरह से, एकदम से लिड आपको उठी हुई फील होगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा मैंने दिया है आई लिड के ऊपर, बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है। तो ये आज का हमारा मेकअप था। अच्छा तो मेकअप हो गया कंप्लीट, तो मैंने सोचा कि महान के खड़े खड़े बाल भी बना दूं थोड़े से, तो बाल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये फर्स्ट पार्टीशन आपने उठाई, ये हल्का सा फ्रंट स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने के बाद इसको आउटर मोड़ा और मोड़ के हल्का 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 नीचे लाए, और जहां पे आपका एंड आता है एंड को आपने हल्का सा टर्न कर दिया ठीक लाइक दिस, और फिर आपने हल्का सा ये ठीक हो गया। फिर ये दूसरा एंगल उठ, मांग पे सेट किए हुए थे। अब मेरा दिल चाह रहा था कि क्योंकि महान का फेस थोड़ा चौड़ा है, तो मैंने कहा महान की ना मैं थोड़ा उल्टी मांग पे करती हूँ, तो मैंने उसी एंगल को उठाया हल्का सा और उसी एंगल को हमने डिजाइन यहाँ पे कर दिया। अच्छा देखो ऑटोमेटिकली कर्ल्स गले में, इस कर्ल्स को आप फिर इसके साथ अटैच कर दे, ये देखे ऑटोमेटिकली सब कुछ बना हुआ है ये देखे।
कोई स्प्रे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और ये सारी लुक आप लोगों के सामने है। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये महान की लुक आज की कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह जैसे आपको पसंद आती है या आप हमसे कुछ और सीखना चाहते हैं या कोई आपको लोगों को फर्दर डिटेल चाहिए तो आप लोग जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए दो मिनट वो भी करना। अच्छा जी, तो आज की वीडियो का शाउट आउट है अजहान एंड मॉम ब्लॉग्स, ठीक है। इन्होंने हमें मेकअप का बोला था तो इसलिए हमने ये क्रिएट किया है और अब मैं अपने जितने आने वाली वीडियोस होंगी उनमें लास्ट में एक शाउट आउट जरूर दूंगी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं शाउट आउट के लिए। और बस इतना ही। और जितने लोगों ने हमें कमेंट्स किए हमें बहुत अच्छा लगा कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आप लोगों को अच्छा अच्छा मेकअप सिखाएंगे। ये उस शर्त पे जब आप लोग हमसे कोऑपरेट करेंगे, आप लोगों को प्रॉपर अगर सीखने का दिल चाहता है कि आप घर बैठ के कुछ अच्छा सीखें कुछ अच्छा करें, तो फिर आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।